हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अज असी करन जा रहे हाँ नोटिस राइटिंग। सो आओ पहला असी देखते हैं कि पेपर विच किस तरह आएगा, तुहानू हर चीज़ दे किन्ने किन्ने नंबर मिलेंगे। लैट्स स्टार्ट। तो सब तो पहली गल जो तुसी नोटिस बनाने वेले ध्यान रखनी है वह यह है कि पहला बॉक्स ड्रॉ कर लेना, पर उसनू नीचों दी बंद नहीं करना। सो पहला टॉप लाइन लगा लो, फिर लैफ्ट राइट ते लाइन लगा लो, पर उन्हें नीचों क्लोज ना करो क्योंकि सानू पता नहीं कि यह कित्थे जाके स्टॉप होएगा। तो दूसरी चीज़ का यह ध्यान रखना है कि जे पेज के थले सफिशेंट जगह नहीं है तो उत्थे तुसी नोटिस राइटिंग नहीं करना, एक दूसरे पेज से कर लेना ताकि एक पेज से पूरा आ जाए। यह ना हो कि अद्धा इधर तो अद्धा उधर, ये फिर असी बॉक्स नहीं बना पावांगे। लैट स्टार्ट। तो सब तो पहले लिखना है जो तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। जे तुसी वो नेम लिख दिंदे हो तो कैपिटल लैटर्स विच लिखते हो तो तुहानू उहदा अद्धा नंबर मिल जाएगा। उस तो बाद अद्धा नंबर कहदा मिलेगा डेट लैफ्ट साइड से नोटिस सेंटर विच। ते जे तुसीं तीनों चीज़ां लिखतियां तो फिर एक नंबर हो जाएगा। तो उस तो बाद हैडिंग पा देना कि यह नोटिस कादे वास्ते है, सब्जेक्ट की है, अद्धा नंबर उहदा हो जाएगा। उस तो बाद कंटेंट यानी बॉडी जो तुहानू लिखण लई कहा कि यह नोटिस लिखना है। तो जे तुसीं ध्यान नाल देखो तो जो भी नोटिस तुसीं लिखना है वह ऑलरेडी स्टेटमेंट विच मैनशन हुंदा। तुसी 95% वर्ड्स उसे ही स्टेटमेंट चो पिक करके नोटिस राइट कर सकते हो। लास्ट ते अपने सिग्नेचर्स करने हैं, सिग्नेचर थले अपना नाम लिख देना है ते तुहाडा डेजिग्नेशन की है, ओहदा की है, तुसी कौन हो जिहड़े नोटिस लिख रहे हो, वह नीचे लिख देना है। ये लिख दोगे तो अद्धा नंबर ओहदा मिल जाएगा। सो टोटल नंबर हो गए 4। सो ये 4 फ्री दे नंबर हैं कि तुसी एक बार ये सारा याद करना है ते लिख देना है। सो आओ आप एक प्रैक्टिस करते हैं कि यू आर राजीव शर्मा, तुहाडा नाम राजीव शर्मा है, तुसी कौन हो? हैड बॉय ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल लुधियाना। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द हाउस कैप्टन्स टू अटेंड अ मीटिंग विद द वाइस प्रिंसिपल फॉर द एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल। तुसी एक नोटिस लिखना है हाउस कैप्टन्स लई जिदे विच उन्हां नूं जानकारी देनी है एक मीटिंग अटेंड करन लई जो कि वाइस प्रिंसिपल नाल होवेगी। कादे लई? कि स्कूल दे विच डिसिप्लिन नूं मेंटेन करन लई उन्हां ने ड्यूटीज लगानियां हन। इस मीटिंग विच ओही ड्यूटीज लगाईआं जाणगीआं। सो आजो स्टार्ट करिए। सो सब तो पहला की लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल लुधियाना। उस तो बाद नोटिस लिखता हैडिंग पै गया, फिर लैफ्ट साइड से तुसी डेट लिख देनी। ओके, उस तो बाद उसका हैडिंग पा दो कि की है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हुण तुसी अच लिख सकते हो कि हाउस कैप्टन्स मस्ट अटेंड अ मीटिंग, कि हाउस कैप्टन्स ये मीटिंग जरूर अटेंड करनगे विद द वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल जिहदे नाल ये मीटिंग है कदों है, ये डेट लिख दो, ऑन 13 अगस्त 2020। इत्थे जदों भी तुहाडा पेपर होएगा उस तो अगले दिन दी जां 2 दिन बाद दी डेट पा देनी है। हुण कदों होएगी मीटिंग? ड्यूरिंग रिसेस। ते कित्थे होएगी? इन हिज ऑफिस। ते कादे वास्ते मीटिंग हैगी है? इन ऑर्डर टू, तां के। इन ऑर्डर टू दा मतलब होंदा तां के, यानी इस करके। इन ऑर्डर टू डिसाइड स्टेप्स, कि ओ स्टेप्स डिसाइड कीते जाण फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल, तां के स्कूल दे विच डिसिप्लिन नूं मेंटेन कीता जा सके। ओके, फिर साइन कर दो। साइन तो बाद अपना नाम लिख दो, राजीव शर्मा। सो इत्थे ध्यान तुसी इह रखना कि साइन भी राजीव दे ही करने हन ते नाम भी राजीव दा ही लिखना है। ओके, ते तुसी कौन हो? हैड बॉय। सो इस तरह की एक होर एग्जाम्पल असं अपने को कर लें। यू आर मानव शुक्ला, तुम मानव शुक्ला हो, द सैक्रटरी हैल्प ऑल क्लब ऑफ द नवोदया विद्यालय कश्मीरी गेट डेली। तुम कश्मीरी गेट डेली के नवोदया विद्यालय के हैल्प ऑल क्लब के सैक्रटरी हो। प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स वास्ते एक नोटिस नू प्रिपेयर करना है टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ कश्मीर अर्थक्वेक विद मनी मेडिसिन फूड एंड क्लोथ्स, ताकि तुसी कश्मीर दे भूचाल पीड़ितां लई पैसा दवाई खाना अते कपड़े अरेंज कर सको। लैट स्टार्ट। हुण सब तो पहला अपनी ऑर्गेनाइजेशन दा नाम लिख दो, नवोदया विद्यालय कश्मीरी गेट डेली, ठीक है, ऑल कैपिटल्स। हैडिंग पा दो नोटिस, फिर डेट पा दो। सो डेट दा फॉर्मेट असीं चेंज कर दांगे, आपां सब तो पहला मंथ लिखांगे। ओके, सो जदों भी तुसीं पेपर विच इसनूं अटैम्प्ट करो तां उस दिन दी डेट इत्थे पा देनी है। मैं लिख रहा हाँ September 10, 2020। हुण तुसीं नोटिस कादे वास्ते लिख रहे हो? किसे दी हैल्प लई। सो लिख दो हैल्प, 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 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नाल पा दो। सो जे तुसीं इत्थे बिल्कुल सौखा लिखना चाहुंदे हो तां सिंपल ऐसे स्टेटमेंट विचों ही वर्डिंग लै सकदे हो कि लैट अस, आओ असी, अगो इत्थों ही वर्डिंग चक लो, हैल्प द विक्टम्स ऑफ कश्मीर अर्थक्वेक विद मनी मेडिसिन फूड एंड क्लोथ्स। ओके, सो जे इन्ना भी लिख दोगे तां वी तुहाडा नोटिस जिहड़ा है पूरा हो जांदा। पर जे तुसीं होर इसनूं एलैबोरेट करना चाहुंदे हो
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ ਹੈਲਪ ਆਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਪਰਪੋਜ਼ਿਸ ਟੂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਫੋਰ ਦ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਅਰਥਕੁਏਕ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਆਲ ਕਲੱਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਖੋਲੀਏ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲੀਏ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਰੋਇਨਡ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਐਂਡ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਮੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਾਇੰਡਲੀ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਐਂਡ ਡੋਨੇਟ ਮਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਂਡ ਕਲੋਥਸ ਲਿਬਰਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰੋ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮਾਨਵ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਹੈਲਪ ਆਲ ਕਲੱਬ